नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अखबार की सुर्खियों में। जी हां, हमारे पास दो अखबार हैं, नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। और अगर हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स है और आज की बड़ी खबरों की मैं बात करता हूं, तो जी हां, देखिए भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर। जी हां, कर्नाटक में बीते गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। रोड शो, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों दलों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिल में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। मोदी ने आरोप लगाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1952 और 1953 में लोकसभा चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सत्ता में रहते हुए उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, यानी कि सत्ता में रहते हुए उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर कि 1952 और 1953 में लोकसभा चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। राहुल बोले, ध्यान भटकाते हैं पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री के हमलों का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को उनमें खतरा दिखाई देता है, इसलिए निजी हमले करते हैं। जब वह जवाब नहीं दे पाते तो ध्यान भटकाते हैं और गुस्सा करते हैं। हम उन्हें ध्यान भटकाने और गुस्सा करने नहीं देंगे। राहुल ने दलितों पर हमले और राफेल विमानों के सौदे को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। जी हाँ, जो कह सकते हैं राफेल विमान और जो है उसके सौदे को लेकर प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरा। आपको बता दूँ, बीते दिनों आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का कर्नाटक में, और 12 मई को, जी हाँ 12 मई को वोटिंग है 224 विधानसभा सीटों पर। और देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार इसके नतीजे क्या आएंगे, जनता अपना फैसला कर देगी जी हाँ वोटिंग के दौरान। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जस्टिस जोसेफ का नाम फिर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस जे चैमलेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कॉलिजियम की बैठक बुलाने का अनुरोध किया, जिससे उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ के नाम की केंद्र से दोबारा सिफारिश की जा सके। केंद्र ने 26 अप्रैल को जज जोसेफ के नाम की सिफारिश कॉलिजियम को पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी। केंद्र ने कहा था कि उनका प्रस्ताव सर्वोच्च अदालत के मानकों के अनुरूप नहीं है, इसके बाद कॉलिजियम की बैठक में फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि बीते बुधवार देर शाम मुख्य न्यायाधीश को भेजे खत में जस्टिस चैमलेश्वर ने कहा कि वह फिर जज जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत करने के फैसले पर जोर दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा भेजा गया है। और हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, तो देखिए कश्मीर बनो फिर मदद मांगो सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर फिलीपींस की राजधानी मनीला में रह रहे एक कश्मीरी छात्र का ट्विटर प्रोफाइल देखकर मदद देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले कश्मीरी बनो फिर मदद मांगो। दरअसल ट्विटर पर शेख अतीक नाम के एक MBBS छात्र ने सुषमा से मदद मांगी थी। उसने अपनी प्रोफाइल में खुद को भारत अधिकृत कश्मीर का रहने वाला बताया था। यह प्रोफाइल देखने के बाद सुषमा ने जवाब दिया, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके प्रोफाइल के मुताबिक आप भारत अधिकृत कश्मीर से हैं, इस तरह की कोई जगह नहीं है। सुषमा के जवाब के बाद शेख अतीक ने प्रोफाइल में सुधार किया। इस पर सुषमा ने कहा, मैं खुश हूं कि आपने प्रोफाइल सुधारा। इसके बाद उन्होंने फिलीपींस में भारत के उच्चायुक्त जयदीप मजुमदार को शेख अतीक की मदद करने को कहा। यानी कि पहले जो छात्र था उसके प्रोफाइल सही नहीं थी, उसके बाद सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कहा कि उसकी प्रोफाइल सही हो और तभी जाके वो उसकी मदद करेंगे, और प्रोफाइल जब सही किया छात्र ने तब उसकी मदद की गई। और देखिए आधार पर 38 सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। जी हाँ, 4 महीने और 38 सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने आधार एक्ट 2016 की वैधता पर बीते गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में यह पहला केस था जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए 2 बड़ी स्क्रीनों पर सरकार ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। फैसला जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। बहस के दौरान केंद्र ने आधार नंबर को मोबाइल से जोड़ने की वकालत की और कहा कि उस पर अवमानना का मामला चलाया जा सकता है यदि उसने मोबाइल को आधार से नहीं जोड़ा। यदि मोबाइल को आधार से नहीं जोड़ा गया तो अवमानना का मामला चलाया
जा सकता है। जी हाँ, और अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। देखिए, लालू पैरोल पर बेटे की शादी में पहुंचे और 14 को लौटेंगे। जी हाँ, देखिए, 2 दिन की अटकलों के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बीते गुरुवार को शाम बेटे तेज प्रताप की शादी में शरीक होने के लिए 3 दिन की पैरोल पर पटना पहुंचे। साथ में उनके करीबी और विधायक भोला यादव भी थे। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ बेटी मीसा भारती भी पहुंची थी। लालू 14 मई को रांची लौटेंगे। इससे पहले लालू को रिम्स से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ले जाया गया। लालू प्रसाद के साथ रिम्स के 2 डॉक्टर जो है उनको भेजा गया है। पटना जाने से पहले लालू का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था और तेज प्रताप की 12 मई को शादी होने वाली है, यानी कि पैरोल मिल गई है लालू को और वो जो है कह सकते हैं कि अपनी बेटे की शादी में शरीक होंगे। और देखिए, यहाँ पर भी आधार से जुड़ी खबर है। आधार पर 4 महीने में 115 घंटे मैराथन बहस। जी हाँ, आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने से पहले 4 महीनों में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष 115 तक मैराथन बहस हुई। कोर्ट में 38 बार सुनवाई हुई, जिसमें सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकीलों की लंबी चौड़ी फौज ने बहस की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आधार डाटा के गलत इस्तेमाल होने की आशंका जताई। वहीं सरकार इसके सुरक्षित होने का दावा करती रही है। लेकिन आधार को लेकर 115 घंटे बताया गया है कि मैराथन चली, यानी कि बहस हुई इस पर। और देखिए, अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, देखिए, घोटाले में केजरीवाल का रिश्तेदार गिरफ्तार। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने PWD में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार विनय बंसल को गिरफ्तार किया। इस मामले में विनय के पिता और केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अदालत ने विनय को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि घोटाले में केजरीवाल के रिश्तेदार गिरफ्तार हुए। और देखिए, कहीं ना कहीं साफ पता चलता है जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे, दूर करने की बात करते थे, उनके खुद के नेता, उनके खुद के जो अपने करीबी हैं, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और जैसा कि यहाँ पर देखने को भी मिला है। और देखिए, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हर हाल में 31 मई तक खुले। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 31 मई तक जनता के लिए खोल दिया जाए। पीठ ने सवाल किया कि बनकर तैयार एक्सप्रेस वे को उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पलवल को जोड़ने वाला 135 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे का 31 मई तक उद्घाटन होता है तो इसे जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए, यानी कि इसे जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए, ये कहा गया है। और देखिए, ड्यू में दाखिला प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो रही है। प्रश्नातक के लिए 18 मई और MPhil तथा PhD के लिए 20 मई से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीते गुरुवार शाम जारी सूचना में बताया कि दाखिले के लिए पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इस तरह के प्रवेश में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, और जो छात्र लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म वो भर सकते हैं। PWD के अफसरों पर भी शिकंजा कसेगा। जी हाँ, देखिए, करोड़ों रुपए के PWD घोटाले में PWD के 5 अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मामले में इन अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक SEB ने PWD घोटाले के संबंध में 3 प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान मैसर्स रेनु कंस्ट्रक्शन कंपनी, पवन कंस्ट्रक्शन और कमल सिंह कंस्ट्रक्शन नामक फर्म का नाम सामने आया। करोड़ों रुपए का यह घोटाला PWD के अधिकारियों की साठगांठ से हुआ, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और उसमें PWD के अधिकारियों का हाथ है। देखिए, CCTV समिति पर सियासी संग्राम तेज। जी हाँ, दिल्ली में CCTV कैमरे लगाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से गठित समिति को दिल्ली सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते गुरुवार को यह जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि LG ने CCTV योजना में अड़ंगा लाने के लिए इस समिति का गठन किया, यानी कि CCTV समिति पे जो है अब सियासी संग्राम जो है तेज हो गई है, और इससे देखे कह सकते हैं कि अब इसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। और देखिए,
जनकपुरी कालकाजी मेट्रो जल्द। जी हाँ, निरीक्षण, मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से कालकाजी मंदिर तक के लगभग 25.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक का 3 दिवसीय निरीक्षण बीते गुरुवार को पूरा हो गया। इस दौरान ट्रैक पर कोई काम नहीं कह सकते हैं कमी नहीं पाई गई। माना जा रहा है 15 मई तक कमिश्नर मेट्रो से रेल सेफ्टी इस रूट पर मेट्रो चलाने को हरी झंडी दे सकते हैं। यानी कि जनकपुरी से कालकाजी मेट्रो जो है काम था वो जल्द कंप्लीट हो गया, और कहीं ना कहीं इससे लोगों को अगर हम बात करते हैं अब आसानी रहेगी, सुविधाएं रहेंगी। और देखिए, अब हमारे पास NBT है, नवभारत टाइम्स, उसकी हम बात कर लेते हैं। NBT ने क्या बड़ी खबर छापी है, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं NBT की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखिए पंचायत का फरमान 1.60 करोड़ 2-4 मर्डर का केस खत्म। जी हाँ, देखिए 1.60 करोड़ रुपए 2 और 4 लोगों की हत्या का केस खत्म हो जाएगा। हरियाणा के एक गांव में महापंचायत ने कुछ ऐसा ही फरमान सुनाया है। कानून है कि हत्या जैसे आपराधिक केसों को पक्ष कर आपसी रजामंदी से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मेवात के गांव उटवाड में पंचायत ने केस के दोनों पक्षों में सुलह कराने का दावा किया है। मेवात में 84 गांव के पंचों की महापंचायत का फैसला ऐसे समय आया है जब अदालत केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। तब इस तरह का फैसला आया। और देखिए खफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, PM के पास वक्त नहीं है तो खुद खोल दें एक्सप्रेसवे। जी हाँ, दिल्ली पर ट्रैफिक बोझ घटाने में मददगार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को नाराजगी जताई। अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा कि अगर PM नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के कारण इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस महीने के आखिरी नहीं हो सका तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। यानी कि नाराज हो गया है सुप्रीम कोर्ट PM मोदी से, क्योंकि PM मोदी के पास वक्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी और से जो है उद्घाटन कराया जाए अगर उनके पास वक्त नहीं है तो। जी हाँ, और अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, तो देखने को मिल रहा है कि ड्यू एडमिशन की, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ड्यू का जो एडमिशन है वो रेस 15 मई से है, और अब जो है छात्रों को बहुत जल्द जो कह सकते हैं आसानी हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म भर के अब वो जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, क्योंकि जो छात्र लंबे तरीके से जो है कि घंटों घंटों भर लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन अब उन्हें घंटों भर लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।